तो यार स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेट इन्फोटेक पर। तो आज के वीडियो में था लूट बताने वाला, मतलब ऐप के बारे में बताने वाला जिससे आपको पर रेफर 11 रुपये करके मिलने वाला। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं, टेलीग्राम पर जाइए, सर्च कर लिए पेट इन्फोटेक, या तो इसका ज्वाइनिंग लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आपको शायद पता होगा हमारे हर वीडियो में जो चलता है गिवअवे, तो गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली करना क्या होगा, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे चले जाना कमेंट सेक्शन पर, एंड वहाँ पर कमेंट कर देना कुछ वीडियो के बारे में, अपना कुछ जो अपना राय दे देना वीडियो पर कि कैसा है, नाइस वीडियो जो लिखना है लिख देना, उसके बाद जो कमेंट कर देना। पेटीएम नंबर ऐसा कमेंट करना है कि आपका पेटीएम नंबर जो ब्लॉक ना हो, सिंपली मैं स्टार्ट पर क्लिक कर दूँगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कोई एक विनर सेलेक्ट कराया है, उसे जो है मैं पेमेंट कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए टॉम, तो इसने तो ये मतलब पेटीएम नंबर कमेंट नहीं किया, तो मैं सिंपली पी कहना था विनर करता हूँ, स्टार्ट पर फिर से क्लिक करता हूँ। तो देखिए विनर यहाँ पर है आदिवासी गेमर, ये देख सकते हो इसका यहाँ पर पेटीएम नंबर दिया गया। सिंपली ये जो अगर आदिवासी गेमर आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो जल्दी से जहाँ पर आपने कमेंट किया था वहाँ पर रिप्लाई कर दिया है मैं विनर, तो मैं जो उसका पेमेंट जो आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। तो बात करते हैं ऐप के बारे में, ऐप का नाम है यहाँ पर शार्क आईडी, लेकिन मैंने भी इसे डाउनलोड नहीं किया, आपको भी डाउनलोड कर लेना है। सिंपली उसका अनलिमिटेड भी बताने वाला हूँ। सिंपली करना क्या, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है शार्क आईडी ऐप डाउनलोड लिंक के नाम से, सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपको जो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा, तो ब्राउजर में ओपन होता है, ओपन प्ले स्टोर पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ देख सकते हो मेरा ऐप जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है आपको सब बताता हूँ। यहाँ पर फिर से जो है मतलब ज़्यादा सिक्योर के लिए आपको फिर से एक बार लिंक पर क्लिक कर देना, नहीं तो आपको रेफरल बोनस नहीं मिल रहा है। लिंक पर फिर से क्लिक कर देना है, उसके बाद फिर से जो है ओपन कर लेना है, फिर ओपन पर क्लिक करना है, एंड आपका फिर से जो है यहाँ पर इस टाइप का ओपन हो जाने वाला था। वो करना क्या, आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, उसके बाद मेरा नो इंटरनेट का साथ आपका ओके कर देना है, फिर से एक बार क्लिक करना है, मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्शन डिटेक्ट नहीं कर रहा है। फिर से देखिए हो चुका है, आपका भी ये प्रॉब्लम हो चुका है, आपको ओके पर क्लिक करना है, आपका शायद डिटेक्ट कर ले, उसके बाद आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से अलाउ करना है, उसके बाद इंडिया सेलेक्ट करना, अपना फोन नंबर जो है इंटर कर लेना है, उसके बाद जो वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सो ये डिवाइस मतलब एक दूसरे नंबर से रजिस्टर, तो मैं सिंपली उसको जो सो नंबर इंटर कर लेता हूँ, मतलब आप एक डिवाइस में एक ही नंबर से रजिस्टर कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा देखिए हो चुका है, परमिशन अलाउ हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले रेफर करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स करने पड़ेंगे, वो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ। सिंपली मैं एक बार बैक कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो तो आपका इस टाइप का पेज ओपन हो जाने वाला। साइनअप करने पर आपको नेम वूम आ जाएगा, नेम वूम आपको डिटेल इंटर कर देना है। उसके बाद बताने वाला हूँ इसका मतलब रेफर कैसे करना है, रेफर करने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, क्या करना है सो बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसका एक क्लोन कर लेता हूँ, उसके बाद आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैं डुअल वाला ऐप ओपन कर लेता हूँ, मतलब दूसरा ऐप मैंने अपने MI के फोन में किया है, आपको ऐसा नहीं, आपको सिर्फ साइनअप दिखाने के लिए कर रहा हूँ। सिंपली आपको आई एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है, स्टार्ट करना है, अलाउ कर देना है, अलाउ करने के बाद अलाउ कर देना है, फिर से आपको यहाँ पर फोन नंबर इंटर करना है। फोन नंबर इंटर करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन आएगा, वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस टाइप का ऑप्शन आएगा, आपको OTP मांगा जाए, तो OTP सिंपली मैं इंटर कर देता हूँ। तो मेरा OTP आ चुका है, मैं OTP को इंटर कर देता हूँ, फिर वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। आपका देखिए इसी टाइप का इंटरफेस आएगा साइनअप पर। तो सिंपली यहाँ पर आपको मेल सेलेक्ट करना है, ऊपर यहाँ पर देखिए मेल सेलेक्ट करना है, फिर कोई प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करना है, गैलरी में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं प्रोफाइल पिक्चर पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने जो अपना प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट कर लिया, जो आपको करना कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, मैं फर्स्ट नेम जो है उसे डाल देता हूँ। उसके बाद जो आपको यहाँ पर नीचे मिडिल नेम डालना है, तो मिडिल नेम भी डाल देता हूँ। नीचे सर नेम डालना है, सर नेम भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नीचे पर्सनल ईमेल एड्रेस, तो ईमेल एड्रेस आपको कुछ डाल देना है, तो मैं अपना ईमेल एड्रेस भी डाल देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका देखिए इस टाइप का ऑप्शन ओपन, आपको टिक पर क्लिक करना है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, एंड यहाँ पर जो आपका फिर से इस टाइप का मतलब पेज ओपन हो जाने वाला होम पेज। अब यहाँ पर आपको रेफर करके कैसे अर्निंग करना है सो बताता हूँ। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर देखिए ऊपर 3 लाइन का ऑप्शन है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए ऑफर एंड डील का ऑप्शन आता है, पहले आपको इनेबल करना पड़ेगा, जिस टाइप का बता रहा हूँ उस टाइप से कीजिए, तब आपका रेफर प्रोसेस इनेबल हो जाने वाला है। यहाँ पर रेफर एंड अर्न ₹11 पर क्लिक करना है। यहाँ पर इसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखिए आपका नीचे पार्टिसिपेट का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पार्टिसिपेट का ऑप्शन आ रहा है। उसके पहले जो सर आप ये जो ईमेल एड्रेस डाले थे, ईमेल एड्रेस में देखिए इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर हाय मिस्टर सूरज कुमार जैसे मेरा आ चुका है ईमेल, कि ईमेल को जो है एक्टिवेट कर दीजिए, मतलब इसको वेरीफाई कर दीजिए। मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पर देखिए वेरीफाई और ईमेल एड्रेस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो आपको ऑनलाइन में मतलब कुछ ब्राउजर में ओपन होगा, आपका ईमेल जो वेरीफाई हो जाएगा। अब जाना आपको ऐप पर, एंड यहाँ पर पार्टिसिपेट जो यहाँ पर पार्टिसिपेट का ऑप्शन है, पार्टिसिपेट का ऑप्शन कहाँ से लाया आपने तो देखा होगा, पार्टिसिपेट पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो पार्टिसिपेट पर क्लिक कर दिए, जैसे पार्टिसिपेट पर क्लिक कर दिए इसी तरह आपका फ्रेंड अगर करता है आपके लिंक के द्वारा
12 तो आपको 5 भी मिल जाने वाले हैं। आप जो अगर वो किसी को इनवाइट करता है, आपको यहाँ इनवाइट पर क्लिक करना है, अपना लिंक जो भेज देना है, तो मैं तो भेजूंगा नहीं। आपका फ्रेंड अगर जैसे ही किसी को इनवाइट करता है 6 रुपये जोर मिलेगा, मतलब 11 रुपये आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपली स्टेटस पर क्लिक करके आप चेक कर सकते हो कि मेरा कितना इनवाइट हुआ, क्या हुआ है। सिंपली यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये तो मेरा नया अकाउंट है, इसमें कहाँ बताएगा। उससे पहले मैं दिखा दूँ इसका पेमेंट प्रूफ। तो पेमेंट प्रूफ दिखाने के लिए मैं चला जाता हूँ पेटीएम पर। यहाँ पर पेटीएम पर देखिए यहाँ पर कैशबैक रिसीव फ्रॉम शार्क आईडी है, 16 रुपये कैशबैक आया। ये 16 रुपये मैंने कहाँ से रिडीम लगाए वो भी दिखाया था। अपने ओरिजिनल ऐप में जाकर ओरिजिनल ऐप में चला जाता हूँ एंड यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पर चला जाता हूँ ऑफर एंड डील्स। ऑफर एंड डील पर जाने के बाद यहाँ पर फिर से मेरा रेफर एंड वाला पर जाता हूँ, स्टेटस पर जाता हूँ एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आराम से कि मेरा 5-5 रुपये था, 5 रुपये था, 5-5 और 6, मतलब 16 रुपये होता है, 16 रुपये मेरा देखिए यहाँ पर पेड है। यही वाला पेड जो है मेरा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। और जो इन्वाइट करोगे वो इंस्टेंट का इंस्टेंट काउंट नहीं होगा, थोड़ा लेट लग सकता है आपको फ्रेंड को इन्वाइट किए हुए, मतलब आप किसी को इन्वाइट करोगे वो तुरंत काउंट नहीं होगा, तो थोड़ा वेट कर लो और उसके बाद जो है काउंट करा लो। तो ऑफर कैसा लगा आपको, यहाँ पर रेफर 11 रुपये मिल रहा है लेकिन एक मोबाइल में एक ही बार, मतलब आप एक फ्रेंड को इन्वाइट करोगे तो एक ही बार हो सकता है। मतलब एक फ्रेंड को सिंपली यार लिंक भेज दो व्हाट्सएप में किसी ग्रुप में, कोई ना कोई तो इंस्टॉल करेगा। और सारे आईडी भी बहुत आदमी नहीं जानता है, सिंपली बहुत आदमी इंस्टॉल करके साइनअप करेगा इसमें। और अब बताता हूँ रिडीम के बारे में, तो रिडीम कैसे करना है। तो रिडीम करने के लिए सिंपली यहाँ पर देखिए रिडीम करने पर जाओगे तो वहाँ पर आपका रिडीम नहीं लगा। क्या करना है उससे पहले यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे उसका और यहाँ देखिए मतलब कि यहाँ पर दिखा गया एक सेटिंग पर क्लिक करना है आपको, सेटिंग ऊपर वाले सेटिंग पर। एंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखा गया माई अकाउंट, तो सिंपली करना क्या है इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ देखिए एक आया है ऑप्शन यहाँ पर चेंज या क्लेम योर फैंसी नंबर, यहाँ क्लिक करना अपना कुछ भी यहाँ पर डाल देना। तो यहाँ पर जो सो डाल देता हूँ यहाँ पर से मैं ये डाल देता हूँ। उसके बाद जो उसमें क्लेम पर क्लिक करना है, यहाँ पर पब्लिक आपको कर देना है, जो करना है प्राइवेट पब्लिक करना है उसको क्लेम पर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करोगे आपका फैंसी नंबर सेट हो जाए। इसी तरह आपको कुछ भी मतलब अपना कुछ रख देना है, उसके बाद सेट कर लेना है, नहीं तो आपका रिडीम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ यार रिडीम नहीं होगा, जैसे कि आप सेट नहीं करोगे जब तक तब तक जो आपका रिडीम नहीं होने वाला है। तो आप जो रेफरेंस पर जाना, स्टेटस पर जाना, जितना पैसा आपका रहेगा आप रिडीम लगाओगे तुरंत इंस्टेंट के इंस्टेंट जिस पेटीएम नंबर मतलब जिस नंबर से आपने साइनअप किया उस नंबर वाले पेटीएम में चला जाएगा इंस्टेंट के इंस्टेंट। एंड लाइव पेमेंट प्रूफ तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, गिवअवे में पार्टिसिपेट करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।